वो जगह मेरे आसपास में आप देख रहे हैं, ये फूलबाग के नाना राव पार्क का एक हिस्सा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बहुत कुछ दिन पहले ऐसा नहीं था बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने, सरकार ने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया है और टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया है। पीछे आप देख सकते हैं ये जो स्टैचू लगी है, ये तात्या टोपे की है, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे अंग्रेज़ों से, जिन्होंने नाना साहब के साथ में मिलकर संघर्ष किया। और ये बीच में जो है ये प्लेटफॉर्म, गोलाकार प्लेटफॉर्म बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लाइट्स है थोड़ा अभी, क्योंकि अभी पूरी तरह रात नहीं हुई है, शाम का समय है, लाइट नहीं जली है। लाइट में और भी खूबसूरत लगेगा जैसा मैं, क्योंकि मैं जब से ये बना है मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और शायद थोड़ी शाम हो जाएगी जब लाइट जलेगा तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। हरियाली भी है पीछे, आप देख सकते हैं पेड़ पौधे और ये अलग अलग तरीके का जो डेकोरेटिव प्लांट्स हैं लगे हुए हैं। और इसके पीछे जो है ये तात्या टोपे की स्टैचू लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। और आज तो बाबा साहब का जन्मदिन है, यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से बहुत विशाल मेला होता है, बहुत सारे पूरे कानपुर शहर से या फिर कानपुर नगर से, गांव देहात शहर से, हर जगह से लोग आते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। बट अब की बार जो यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है वो बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पर पिछले साल एक साल के अंतर्गत बहुत सारा काम किया गया है, ऐसा सुनने में आया था कि यहाँ पर अब की बार परमिशन नहीं दिया जा रहा था जन्मदिन इस साल मनाने के लिए, बट हमारे जो मिशनरी साथी हैं, जो लोग हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो प्रशासन ने जो है अनुमति दी। और अब की बार मैंने देखा, जो महसूस कर पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा बल लगे हुए हैं, जिससे कि जो नए नए पौधे प्लांट्स फूल लगे हुए हैं उसका नुकसान ना हो किसी प्रकार का, क्योंकि जहाँ भीड़ होती है तो चांसेस भी होते हैं उसका नुकसान होने का। बट ये खूबसूरत जगह अच्छी लग रही है, मैंने सोचा कि इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ। तात्या टोपे जी, इधर बैठने के लिए जगह बनी हुई है और इधर छोटा सा पौंड है और मोटर भी होगा, तो बहुत ही खूबसूरत है। और ये केवल बाबा साहब के जन्मदिन पर नहीं, आप अन्य मौके पर भी किसी भी दिन आकर यहाँ पर आप टहल सकते हैं। ये खूबसूरत जगह है आज की डेट में कानपुर में, तो मैं आशा करता हूँ आप भी इस नाना राव पार्क फूलबाग के, कानपुर के इस नाना राव पार्क में और ख़ासकर इन जगहों पर घूमने ज़रूर आएंगे, अच्छा लगेगा।